बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अजमल को हिट कर रही है और अजमल बीजेपी को हिट बैक कर रहे हैं। आखिर क्या है असम के चुनाव का ये अजमल फैक्टर, इसको लेकर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। हमने अजमल के किले धुबरी से ये ग्राउंड रिपोर्ट की है। आखिर असम में अजमल का किला कितना हिला, ये जानने के लिए देखिए हमारी एकदम परफेक्ट और प्रमाणिक ग्राउंड रिपोर्ट सीधे धुबरी से। असम के धुबरी जिले में इस वक्त हम हैं और धुबरी जो है वो खासा महत्वपूर्ण जिला है 2021 के विधानसभा चुनाव में। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल जो हैं वो यहाँ से सांसद हैं और इसके अलावा उनका खासा वर्चस्व है इस पूरे इलाके में। हमारी संवाददाता असम के धुबरी जिले क्यों पहुंची, इसकी दो महत्वपूर्ण वजहें हैं। पहली वजह, धुबरी में 80% मुसलमान हैं और दूसरी वजह, धुबरी असम में मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर बदरुद्दीन अजमल का किला है। वही बदरुद्दीन अजमल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की जुबान पर है। आखिर धुबरी के लोग इस बार किसे वोट देने जा रहे हैं, बदरुद्दीन को या फिर बीजेपी को? धुबरी में हम हैं तो लोगों से बात करेंगे कि क्या धुबरी के मुद्दे हैं और क्या लोग सोच रहे हैं इस बार चुनाव के बारे में, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है इस बार होगा? इस बार तो कांग्रेस ही जीतेगा। कांग्रेस जीतेगा क्यों? इधर अश्विनी ने कुछ काम नहीं किया है। अच्छा। जो हम लोग हम बूथ का मेंबर है बीजेपी का, कुछ काम नहीं किया है। अच्छा। एक करा है, बूथ कमेटी बना दिया है, चोर लोग को ये लोग सब खा लिया। गोलकगंज है। ये गोलकगंज विधानसभा है, यहाँ पर जो सिटिंग MLA हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप बताइए क्या इस बार चुनाव में होने जा रहा है? एक तरफ महाजोत है, एक तरफ बीजेपी और AGP का अलायंस है। अलायंस से कांग्रेस जाएगा। अलायंस कांग्रेस जाएगा क्यों? हाँ, क्यों जाएगा कांग्रेस? कांग्रेस क्यों जीतेगा कांग्रेस? बीजेपी पार्टी भालो ना। बीजेपी भालो ना। आप बताइए, आपका नाम बताइए। सुशांत कुमार शाह है मेरा। सुशांत कुमार शाह, क्या जी होने जा रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में बीजेपी जीतेगा। क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम किया है। अच्छा, लेकिन ये तमाम लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। वो तो बोलेगा ही। इसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार चुनाव में? हमारा तो ये बीजेपी का पल्ला भारी है। क्यों लग रहा है सर? ये पर बीजेपी सरकार पहले से है, इसलिए लगता है बीजेपी का पल्ला ही भारी है। धुबरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, गोलकगंज, बिलासीपारा ईस्ट, बिलासीपारा वेस्ट, गौरीपुर और धुबरी। गोलकगंज और बिलासीपारा ईस्ट की सीट बीजेपी के पास है और बिलासीपारा वेस्ट, गौरीपुर और धुबरी की विधानसभा सीट AIUDF के पास है। यानी साल 2016 के विधानसभा चुनाव के मुताबिक यहां की 5 में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती और 3 AIUDF ने जीती। जिस तरह से यहाँ सीटों का बंटवारा है, ठीक वैसे ही यहाँ के लोगों की राय भी बटी हुई है। यहाँ हिंदू मुस्लिम राजनीति का ध्रुवीकरण बिल्कुल साफ नजर आता है। आप बताइए क्या है माहौल इस बार चुनाव का? माहौल तो इस बार कांग्रेस जीताएगा। कांग्रेस जीताएगा क्यों? बीजेपी का अच्छा काम नहीं किया, झूठ बोलता है, झूठ का वादा किया है। अच्छा। कोई पूरा नहीं किया इसलिए। चलिए, धुबरी में हमें क्या होने जा रहा है? धुबरी में इस बार इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में कौन जीत रहा है? कांग्रेस जा रहा है। कांग्रेस? कांग्रेस क्यों जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस बहुत वोट में आगे हुआ है, फिर जो बीजेपी है हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है, इसलिए हम सब कांग्रेस के लिए तो तैयार है कि सरकार कांग्रेस की होगी। अच्छा, आप बताइए किसकी सरकार होगी? कांग्रेस का सरकार होगी। ऐसे तो मालूम नहीं, हमारा इधर तो बीजेपी है, सब कंप्लीट बीजेपी। क्यों बीजेपी आएगी? लेकिन बीजेपी आया, इधर का बीजेपी के आदमी बहुत आए। अच्छा, अजमल साहब के काम को कैसे देखते हैं MP? बतौर MP अजमल साहब ने, इधर अजमल साहब का कोई काम नहीं होता है। अच्छा, बतौर MP अजमल साहब ने कैसा काम किया? अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। महाजोत और कांग्रेस के साथ अलायंस जो है वो आपको लगता है सरकार बना पाएगा? बना पाएगा। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको? वो तो जहाँ गड़बड़ करता है बीजेपी। क्या करता है बीजेपी? बीजेपी का कैप देगा, ST देगा, हम वोट देगा उसको? क्यों देगा वोट? किस मुद्दे पर चुनाव हो रहे वाला इस बार? इस बार तो कांग्रेस को चुनाव में जीतेगा। क्यों? नहीं, कांग्रेस अच्छा काम कर रहा है। हाँ, अच्छा, तो सरकार दूसरा आदमी अहिंसा की बात कर रहा है। अजमल साहब का काम कैसा है? अच्छा है। अच्छा,
क्या काम किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम किया है। क्या क्या काम किया? रास्ता घाट स्कूल बनाया अजमल साहब ने। अजमल साहब ने कैसा काम किया बता रहे हैं? अच्छा वाला काम किया है। अच्छा वाला कांग्रेस के साथ अलायंस किया है तो जीतेंगे? जीतेगा जीतेगा, अच्छा वाला जीतेगा। धोबरी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है और बांग्लादेशियों की घुसपैठ यहीं से होती है और बांग्लादेशी घुसपैठ पूरे असम में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में असम में इस बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो एक अहम मुद्दा है। इस वक्त हम धुबरी जो असम का एक जिला है, लोअर असम में अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की मैं बात करूं तो यही बॉर्डर है जहां जो उनका एंट्री पॉइंट है। ये देखिए ये जो फेंसिंग है इसके उस तरफ बांग्लादेश बॉर्डर है और इस तरफ जो है वो भारत है और यहां भारत की सीमा की अगर हम बात करें तो असम का धुबरी जिला जो है वो यहां से शुरू हो जाता है। इस वक्त हम बांग्लादेश बॉर्डर से महज चंद मीटर्स की दूरी पर खड़े हैं और यहाँ पर जो ये धुबरी जिले में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ये विधानसभा आती है यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। क्या चुनाव का मुद्दा इस बार लग रहा है आपको? क्या मुद्दा लगेगा, बीजेपी आएगा, हम लोग का जो बीजेपी है वही आएगा, बीजेपी आएगा। अच्छा ये बताइए बांग्लादेशी घुसपैठ की बात सब लोग कर रहे हैं, आपके लिए वो मुद्दा है? नहीं वो मुद्दा नहीं, वो शांति है जगह, बहुत शांति है। आप बताइए असमी अस्मिता की बात सब कर रहे हैं बीजेपी भी और कांग्रेस, आपके लिए क्या चुनाव का मुद्दा है? बीजेपी ठीक है हमारे लिए। क्यों ठीक है बीजेपी? बहुत काम हुआ, अच्छा किया। अच्छा बदरुद्दीन अजमल एमपी है यहाँ से? ये कोई काम एमपी का कोई काम ही नहीं है यहाँ। अच्छा कोई काम नहीं किया उन्होंने? चलिए अजमल साहब का ये कह रहे हैं कोई काम नहीं किया। अली असगर साहब क्या चुनाव में होने जा रहा है, महाजोत या बीजेपी? महाजोत। महाजोत क्यों? भालोभाषी। भालोभाषी आपको क्या लग रहा है, महाजोत या बीजेपी? बीजेपी। धोबरी में कहीं कहीं मुसलमान भी बटे हुए नजर आ रहे हैं, उसकी वजह है भाषा। असम में दो तरह के मुसलमान हैं, असमिया भाषी मुसलमान और दूसरे बंगाली भाषी मुसलमान। धोबरी में असमी भाषा बोलने वाले लोग 66.3% हैं और बंगाली बोलने वाले लोग 29.59% हैं। और भाषा के आधार पर असमी बोलने वाले कुछ मुसलमान बीजेपी के साथ भी खड़े नजर आ रहे हैं। आप बताइए किसकी सरकार असम में बनने जा रही है इस बार? बीजेपी सरकार तो ठीक हुआ है, साला जगह जगह गलती का करता है, बोलता है मुसलमान आदमी वोट नहीं देता है, वोट नहीं देता है तो कैसे जीतता है वो लोग आदमी? अच्छा, तो आप कह रहे हैं मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है तभी जीतता है बीजेपी? बीजेपी का तो हम वोट डाला है, वो बोलता है वोट नहीं देता है, वोट नहीं देता है, क्यों बोलता है वोट नहीं देता है तो क्यों जीतता है वो लोग? आप भी कह रहे हैं बीजेपी, क्या नाम है आपका? शहीदुल हक। शहीदुल हक है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है वोट नहीं दे रहा है लेकिन मुस्लिम भी उनको वोट करता है। अजमल साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, तो महाजोत का असर होगा? नहीं नहीं बीजेपी का होगा। बीजेपी को होगा? हाँ। क्यों? बीजेपी अच्छा काम किया। अच्छा और महाजोत? महाजोत नहीं, अच्छा काम नहीं है। अभी जो इसका यहाँ का जो सिचुएशन है असम का, खास करके हमारा गुड़गांव समष्टि का, गुड़गांव समष्टि का जो भी दिख रहे हैं अभी तो यहाँ तो बीजेपी का जो असर दिख रहा है बहुत काफी ज्यादा है और अच्छा ही है। लेकिन महाजोत अजमल साहब एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, महाजोत में उनका इलाका है। अजमल साहब जो वो निभा रहे लेकिन वो दिखावा के लिए निभा रहे, क्योंकि यहाँ का हर बच्चे हर बुढ़ा हर जवान अभी तक पता नहीं है कि हमारा सांसद कौन है। वो तो धुबरी के एमपी है, वो 5 साल भी एक बार भी नहीं आता है कि यहाँ हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।